हेलो, आज स्टार्ट करेंगे हम एयर सेपरेटर। ये भी हमारा एक प्रकार का मशीन है जो साइज का सेपरेशन करने में हेल्प करता है, ठीक ना। तो ये इसका भी जो है इसमें हमको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग डिस्कस करना है, और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इसकी प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ठीक। तो इसका भी प्रिंसिपल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो हमारा एयर सेपरेटर है इसका भी प्रिंसिपल क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेम है साइक्लोन सेपरेटर, ठीक ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ये भी काम करता है। इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है साइक्लोन सेपरेटर से, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बट हमको लगता है कि वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज सब सेम ही है, ठीक। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, देखिए इसमें हॉपर्स पाए जाते हैं, मोटर स्विच, शाफ्ट, रोटेटिंग डिस्क, फाइन पार्टिकल आउटलेट, ठीक, यहाँ से एयर इनलेट, ये सब चीज़ें जो है इसके कंस्ट्रक्शन में पाई जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि इसमें हॉपर्स पाया जाता है, फिर उसके बाद से मोटर स्विच पाया जाता है, शाफ्ट पाया जाता है, रोटेटिंग डिस्क पाया जाता है, ये सब चीज़ें आप लोग जो है कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग वैसे अपने से नहीं लिख सकते हैं तो हम इस वीडियो के PDF, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम PDF लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा। तो इसका वर्किंग क्या होता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जैसे हॉपर्स है तो हॉपर्स का कॉमन सेंस लगाइए, इसका कौन सा वर्क होगा, कौन सा फंक्शन होगा, ये क्या काम है इसका, तो आप लोग अपने से इसका वर्किंग लिख सकते हैं। जैसे हीट द मटेरियल इनसाइड द चेंबर, ऐसे मान लीजिए ये चेंबर है हमारा, इसमें मटेरियल्स को हॉपर्स के थ्रू जो है फीड कर दिए, फिर उसके बाद स्विच ऑन द मोटर, यहाँ पे जो मोटर शाफ्ट है इसको हम ऑन करते हैं, जब ऑन करेंगे तो ये जो हमारा रोटेटिंग डिस्क है ये रोटेट करने लगेगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे इसमें रोटेट करने लगे, ये भी इसमें भी वोर्टेक्स का जो है हल्का सा फॉर्मेशन होगा, और इसमें जब ये पार्टिकल आएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये भी इसके साथ जो है रोटेट करेंगे, और जब रोटेट करेंगे तो ये हमारा होता है स्टेशनरी बॉटम वेंस, यहाँ से क्या होता है कि पार्टिकल्स यहाँ से जो है सेपरेट होकर के, यहाँ से जो है स्क्रीन होकर के, ठीक, यहाँ से फाइन पार्टिकल आउटलेट के थ्रू जो है एक रिसीवर में कलेक्ट हो जाते हैं, और जो कोर्स होते हैं वो हमारे यहाँ नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें कैसे क्या करना होता है, तो देखिए एयर सेपरेटर है तो कहीं ना कहीं एयर से, देखिए यहाँ से भी जो है हम एयर को इनलेट करते हैं, ठीक, ऐसे इनलेट करते हैं, और ऊपर से भी प्रेशर पड़ता है इस फैन का, तो इसके बीच में क्या होते हैं पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड सर्कल मूवमेंट होगा, तो इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में ऐसे इसके साथ मूव करेंगे, और जो फाइन पार्टिकल होंगे यहाँ से ये आउट हो जाएंगे, और जो कोर्स आएंगे वो यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो यही है इसका जो है वर्किंग, ठीक ना, कि मतलब इसमें हम मटेरियल्स को फिट कर दें और मोटर्स को ऑन कर दें या इनलेट को ऑन कर दें, ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसेस इसमें होती हैं। अगर आपको इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जानना है तो सेम है साइक्लोन सेपरेटर है, जो कि हम इसके प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां से जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, और इसका हम पूरा नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में दे दिए हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड करके एक अच्छा सा नोट्स अपने एग्जाम के लिए बना सकते हैं। थैंक यू।